बीइंग मुस्लिम अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके इस्लाम में चार शादियों की इजाजत दी गई है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और मैं इसमें इसको पूरे सपोर्ट में हूँ। अगर आदमी एक ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, 70-60 साल की होती है, एक निकाह कर लेता है, उसके बाद ऐसा अगर होता है कि किसी की मजबूरी देख के उसे निकाह कर ले या किसी पर दिल आ जाए बहुत ज़्यादा, तो उसको हराम रिलेशन में ना रख के अपनी बीवी की तरह, जैसे अपनी बीवी को घर में रखा है उसी तरह दूसरी लड़की को भी ला के घर में इज्जत दे दे, तो गलत क्या है? अब लोग कहते हैं कि लड़कियों को क्यों नहीं दिए इजाज़त, मान लो लड़कियों को भी हाँ बोल दिया, ठीक है, तो भैया कलिंगड़ है ना, कलिंगड़ और छुरी, तो कलिंगड़ करता है, छुरी नहीं करती, लड़कियां कलिंगड़ है, क्यों कटना है भैया, छुरी कभी नहीं कटेगी। तुम्हें अगर दे इजाज़त तो तुम करोगे क्या, जाके आए एक जगह कट चुके हो और चार जगह कट जाओगे। लड़कियों घर चलाना होता है, हमें एक घर चला लेना, एक घर गृहस्थ, चार बच्चे पालने बहुत बड़ी बात है, कितना मान लो चार दे दिया, चार 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 आठ, 24 बच्चे पाल पाओगे क्या? नहीं ना, चार घर चला पाओगे? नहीं ना। आदमी का क्या है, कमा कर ला के दो जो चार औरतों को पूरा कर सकता है, तो चार लड़कियों का घर बस सकता है, तो उसमें गलत क्या है? और बताओ कौन से आदमी आजकल के शरीफ हैं जो कहते हैं हमारे इसमें तो ऐसे नहीं है, शादी नहीं करना चाहिए, क्या अपनी बीवी से प्यार करते रहते हैं, फिर सर पे आके चेक भी करते, अरे ये वाली भी अच्छी यार, ये वाली मिल जाती, तो ये हराम करते वो, ठीक है? अगर वही जगह एक मुसलमान लड़का दिल आ गया और घर ले आ जाए, इज्जत दे दे, तो गलत कहाँ है, मुझे बताओ ना जरा। ठीक है, पहली बीवी को भी ना छोड़े, उसका भी घर चलता रहे, इसका भी घर बस जाए, तो बुरा ही क्या है, कहाँ गलत है, मुझे जरा बताओ। इस्लाम कहीं गलत नहीं है, बहुत सही है, चार शादी ज्यादा देना चाहिए, दिल आ जाता है।